सऊदी वली अहद का वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में इशाया। शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफद को छोड़कर वजीर आजम को अपने फार्म हाउस ले गए। फार्म हाउस में पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से वन ऑन वन मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफसोसनाक वाकये की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहरकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर केनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और केनिया की हुकूमत मुसलसल रबते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाजे तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेक इन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसिस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अरशद शरीफ वाकये की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाक फौज का हुकूमत से मुतालबा। किसने अरशद को मुल्क से जाने पर मजबूर किया? अरशद बाहर कैसे गए और इस दौरान कहां रहे? बगैर सबूत इल्जाम तराशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा वाकये से कौन फायदा उठा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। केनिया की पुलिस मान चुकी कि मौत गलती से हुई। कयास आरायों के खात्मे के लिए तहकीकात जरूरी है। राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रिजीम चेंज हुई है वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया उसके ऊपर धमकी आई, डराया गया, फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे। मैंने अरशद शरीफ को कहा था बाहर चले जाओ, कोई कुछ कहे, अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई। इमरान खान का पेशावर में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुझे पता चला था कि अरशद को मारने लगे हैं। अरशद को नामालूम नंबरों से धमकियां मिलती थी, इन्होंने बाकियों को डराने के लिए अरशद के साथ ऐसा किया। जब तक जिंदा हूं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक्य पर मेरे साथ इजहार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक्य की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। अरशद शरीफ केस की तहकीकात अदालती कमीशन करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के लिए इस्तदा करेंगे। काबीना से भी फैसले की तौसीक करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं वाकये के हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अथरमिन अल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये दो मुख्तलिफ मुल्कों का मामला है, इदारे मामले को बेहतर हल कर सकते हैं। इंक्वायरी पर सहाफती तंजीमों को शामिल रखने की हिदायत। अरशद शरीफ की तदफीन कल इस्लामाबाद में होगी। अरशद शरीफ का जसद खाकी नैरोबी से कतर पहुंचाया गया, जहां से मैयत इस्लामाबाद के लिए रवाना की गई। केनिया की मकामी सहाफी ने अरशद शरीफ की गाड़ी की वीडियो भी पोस्ट कर दी। जेरे हिरासत केनिया पुलिस एहलकारों से तफ्तीश जारी। मैंने फैसला किया
कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ, लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर जिम्मेदार हैं, देखिए जी मुल्क बड़ी मुश्किल में है। इमरान खान का जुमे से लॉन्ग मार्च का ऐलान, कहते हैं मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा, जीडी रोड से आवाम को साथ लेते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मार्च मुस्तकबिल की समत तय करेगा, पुलिस 1.5-2 हजार लोगों को संभाल सकती है, लाखों अफराद को पुलिस कुछ नहीं कहेगी। वी प्रोवाइडेड कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स टू स्कूल गर्ल्स द प्रोविंस ऑफ सिंध बलोचिस्तान केपी एंड जुनूबुल पंजाब दे वर ऑल इनंडेटेड बाय फ्लड वाटर्स एंड दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ आर मेकिंग इट वॉज प्योरली Climate change induced. बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा, टेक्नोलॉजी से मयार जिंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली आज का बड़ा चैलेंज है, कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से कम है, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों की आलमी सतह पर मदद करना होगी। बरतानिया में 3 माह में तीसरा वजीर आजम आ गया, ऋषि सोनक बरतानिया के वजीर आजम बन गए, शाह चार्ल्स स्वयं ने ऋषि सोनक की तकर्री की मंजूरी दे दी। ऋषि सोनक कहते हैं कि माशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे, नई नस्ल को कर्जों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे, मुल्क को मुख्तलिफ इकदाम करके मुत्तहिद करूंगा। डॉलर की चढ़ाई के बाद पसपाई, इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता हो गया, 219.73 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 223 रुपए पर आ गया। माहिरीन का कहना है इस हफ्ते एशियन बैंक से 1.5 अरब डॉलर मौसूल होंगे, जखार में इजाफे से रुपए पर प्रेशर में कमी होगी। सर दर्द की दवा दर्द सर बन गई, लाहौर में पेनाडोल की शदीद किल्लत, डेंगू के दौर में मरीज परेशान, पेनाडोल की तलब के मुकाबले में सप्लाई निस्फ से भी कम, मुतबादल अद्वियात भी मार्केट से गायब, महकमा प्राइमरी हेल्थ की ड्रैप से इस्तदा भी राय गांधी। और कराची के नेशनल स्टेडियम का नाम तब्दील कर दिया गया, अब नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना बन गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम के नाम की तब्दीली के लिए कौमी बैंक से मुआहदा कर लिया, पीसीबी और नेशनल बैंक में मुआहदा 5 साल के लिए किया गया है।